प्रीपोजिशन कर रहे थे हम। प्रीपोजिशन में आज देखते हैं, एक तो एट, एट बताता है एक तो निकटता, एक बताता है घड़ी का समय जो निश्चित दिया हो उसके साथ एट का प्रयोग है, एक छोटे स्थान गांव के नाम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं एक तो निकटता बताने के लिए कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी के निकट है तो निकटता बताने के लिए, या कोई घड़ी का निश्चित समय दिया हो 5 बजे 6 बजे 12 बजे तो घड़ी के समय के साथ भी एट का प्रयोग, या छोटा स्थान या गांव हो उसके नाम के पहले भी एट का प्रयोग करेंगे। वैसे ही इनका प्रयोग, इसका अर्थ, इसका अर्थ मैं के लिए जब कोई किसी के अंदर हो तथा स्थिर अवस्था में हो और इनका प्रयोग बड़े जिले राज्य देश के नाम के साथ करते हैं, तो एट और इन दो देखे हमने। इन जो है अंदर की स्थिति यानी मैं के लिए, अंदर के लिए कोई वस्तु किसी के अंदर या व्यक्ति किसी के अंदर हो और स्थिर अवस्था में हो तब इनका प्रयोग करना है। बड़ा जिला है, राज्य है, देश है, इसके नाम के पहले भी किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। वाक्य देखें तो ही इज स्टैंडिंग द गेट, एक वाक्य ये देख लिया हमने। मोहन इज सिटिंग द रूम, ही इज, ही लिव्स बीकानेर। मोहन गोस टू मोहन लिव्स बीकानेर राजस्थान। The book is the desk। तो ये वाक्य लिखे हमने कि ही इज स्टैंडिंग द गेट, वह दरवाजे के पास खड़ा है, यानी दरवाजे से उसकी निकटता बताई जा रही है कि वह दरवाजे के निकट खड़ा है और निकटता बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। वैसे ही मोहन इज सिटिंग, मोहन बैठा है, कमरे के अंदर बैठा है, यानी मोहन कमरे के अंदर है यानी मैं है और स्थिर अवस्था में है, इसलिए हम इनका प्रयोग कर देंगे।
ही लिव्स बीकानेर, वह बीकानेर में रहता है। अब एक ही स्थान का नाम आए तब इनका प्रयोग करना है, ही लिव्स इन बीकानेर। मोहन रहता है बीकानेर में और बीकानेर है राजस्थान में। दो नाम जब आ गए तो अपने को यही ध्यान रखना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। राजस्थान पूरा राज्य है, बीकानेर एक ज़िला है। तो अब छोटा हो गया बीकानेर, इसलिए यहाँ एट का प्रयोग कर दिया। बड़ा हो गया राजस्थान, यहाँ इनका प्रयोग कर दिया। और केवल बीकानेर आया है तो देख लो यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है। फिर है द बुक इज इन द डेस्क, बुक किताब जो है डेस्क के अंदर है, तो डेस्क के अंदर ही होगी तो इनका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि मैं या अंदर का उच्चारण जब स्थिर अवस्था में हो तब अपने को किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। इस प्रकार एट और इनका प्रयोग किस तरह करना है वो आप अब देखें।